Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education, and today we are going to learn 7th standard English medium chapter number 2 of science. So let's begin. चलिए शुरू करते हैं. तो chapter number 2 plants structure and function. ठीक है, उसका structure कैसे होता है, plants के structure कैसे होते हैं और उनके क्या functions होते हैं. जो भी structure है उसका function क्या है, चलिए हम अभी सीखना शुरू करते हैं. What help us to easily identify the plants around us? ठीक है, हमें किन चीज़ों से, मतलब कौन सा झाड़ क्या है ये हमें कैसे पता चलता है जो हमारे आजू बाजू में पेड़ हैं. Which are the various parts of plants? ठीक है, जो plant है उसके अलग अलग parts क्या क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है क्या? चलिए देखते हैं. The root, root होता है उनके अंदर का, ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे रूट कहते हैं. स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. देखिए बच्चों ये क्या है, ये रूट्स है ना, जो ज़मीन के अंदर रहता है ना पेड़ का. जितना बड़ा पेड़ होता है, जितना ऊपर की तरफ दिखता है उतना अंदर की तरफ भी उसके रूट्स फैले हुए रहते हैं. देखिए ठीक है, हर झाड़ का रूट्स होता है. समझ में आया रूट्स? वेरी गुड. दिख रहा है बच्चों आपको प्लांट के स्टीम्स, ये स्टीम्स है, अलग अलग ब्रांचेस जो होते हैं ना, स्टीम्स. ठीक है, स्टीम का स्पेलिंग देख लीजिए, STEM, स्टीम, राइट. तो ये अलग अलग स्टीम्स हैं अलग अलग प्लांट्स के. देखिए कैसे निकलते हैं स्टीम्स, राइट. समझ में आ रहा है, स्टीम्स अलग अलग, ये स्टीम्स निकल रहे हैं उसके. ठीक है, लीव्स तो पता है आपको, लीव्स उसके पत्ते, फ्लावर्स भी पता है आपको, फ्रूट्स भी पता है आपको, राइट. सो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं. एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट, हर तरीके के प्लांट के फ्रूट्स अलग होते हैं, उनके स्टीम अलग होते हैं, उनके रूट्स अलग होते हैं, उनके लीव्स अलग होते हैं, बराबर है कि नहीं. वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, क्या उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है. तो ऐसे चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट कौन सा है. लेट अस नाउ एक्वेंट अवर सेल्फ विद दिस प्लांट्स ऑर्गेन्स इन ग्रेटर डिटेल्स. ठीक है, अभी ये जो प्लांट्स के ऑर्गेन्स हैं, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ते हैं, बराबर. चलिए शुरू करते हैं. रूट, पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे. रूट, रूट मतलब समझ में आ गया ना, जो अंदर उसका ज़मीन के अंदर के पार्ट को हम रूट बोलते हैं. ठीक है, कीप अ मॉइस्टेंट बॉल ऑफ क्रपल्ड पेपर इन अ कोनिकल फ्लास्क. ठीक है, प्लेस सम सोक्ड मोथ बीन्स ग्राम्स सीड्स इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास वॉल. ऑब्जर्व एंड नोट द चेंजेस इन द सीड्स इन 2 or 3 days. ठीक है, अभी क्या करना है आपको, मॉइस्टेड मतलब, मॉइस्टेड मतलब पानी लगा हुआ. ठीक है, क्रम्पल्ड पेपर, पेपर जो है ना उसको ऐसे एकदम नज़दीक दबा लीजिए, एकदम क्रम्पल्ड करिए. क्रम्पल्ड मतलब एकदम मुट्ठी में दबाने के बाद पेज जैसे क्रम्पल्ड होता है ना, पिचकाया हुआ वैसे. ठीक है, क्रम्पल्ड करिए और कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए. कोनिकल मतलब ग्लास जैसा. ठीक है, फ्लास्क मतलब ग्लास. ओके, प्लेस सम सोक्ड ऑफ बीन्स, बीन्स मतलब गेहूँ वगैरह जो भी है आपके घर में, ग्राम्स जो भी है, राइट, दाल वगैरह के, वो ले लीजिए. हाँ, और उसको उसके अंदर डालिए, राइट, बिटवीन पेपर एंड ग्लास वॉल, पेपर और ग्लास के बीच में उसको रख दीजिए. ऑब्जर्व एंड नोट द चेंजेस इन द सीड्स फॉर 2 to 3 days. चलो 2-3 दिन में क्या होगा ना, ये हम अभी लाइव वीडियो से देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए देखो कैसे होता है. देखो ये ऐसे आपने जो रखा ना, वो इस तरीके से अपने अंदर पहले जो जर्म्स है उसके स्टीम्स है उसे, स्टीम्स ने रूट्स जो है इस तरीके से अंदर फैलाएगा. देखिए रूट्स फैल रहा है उसका, डे 5 दिख रहा है. अभी तो आपको 2 days का ऑब्जर्वेशन करने बोला था, डे 5. फिर देखिए कैसे वो बाहर आया,
डे सिक्स, समझे क्या, डे सेवन, ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ता है। डे नाइन दिख रहा है, ठीक। सो आपको 2-3 दिन में क्या फ़र्क दिखेगा, समझ में आया ना, वो उसके रूट्स जो है फैलना शुरू करेंगे और वो जो बीज से अंकुर बनेगा, अंकुरित होगा। हाँ, द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉयल इज कॉल्ड द रेडिकल, एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबाउट द सॉयल इज कॉल्ड द प्लूमेल। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ जाएगा ना, नीचे पानी है ना, अंदर की तरफ, उसे क्या बोलेंगे, रेडिकल, और जो ऊपर की तरफ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूमल। समझ में आया, वीडियो भी देखा आपने। द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल, अब जो रेडिकल से निकला, ग्रोज इन टू द ग्राउंड। ठीक है, जो जो रेडिकल से निकल के ग्राउंड के अंदर जाएगा है ना, उसको हम रूट्स बोलेंगे। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू अ पॉइंटेड एंड। ठीक है, जो रूट है वो यहाँ पर थिक होगा, जाड़ा होगा, और देखो यहाँ नीचे की तरफ पॉइंटेड होगा, नुकीला होगा। पॉइंटेड मतलब नुकीला, ठीक है, थिक मतलब जाड़ा, ओके, टेपर्ड मतलब एकदम कोनिकल वाला शेप। हाँ, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज बिलो द सॉयल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड द रूट। ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉयल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड द रूट। ठीक है, रूट किसको बोलेंगे हम लोग, द पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट का, प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे, राइट, या मिट्टी के नीचे प्लांट को सपोर्ट करने के लिए उगता है, उसे हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। ओके, ग्रोइंग बिलो द सॉयल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स रिड्यूस सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स, अब जो रूट्स है वो और रूट्स को पैदा करते हैं। दैट ग्रो ऑब्लिक्यूली एंड स्प्रेड्स फार एंड वाइड इन द सॉयल। ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछी तरीके से, देखो यहाँ पे तीन तीन दिशाओं में फैलता है वो, ऑब्लिकली मतलब तिरछी दिशाओं में से वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक और लंबा लंबा, दूर दूर तक और लंबा लंबा फैलाता है अपने आप को। रूट सपोर्ट द प्लांट, रूट जो है अपने प्लांट को होल्ड करके रखता है, सपोर्ट करता है। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, जो ऐसे फैलता है और स्ट्रांग होता है। रूट्स बियर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स। ठीक है, जो एक बाल जैसे उगते हैं ना, वैसा वो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं, रूट टिप्स कहते हैं। दीज आर रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स होते हैं, देखो यहाँ पर ये रूट है ना, ये देखो ये सेकेंडरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, प्राइमरी रूट, ये जो मेन है ना, ये प्राइमरी रूट है, और ये जो उसके आगे निकल रहा है वो सेकेंडरी रूट है, ये रूट हेयर्स है। ये देखिए बाल, ये देखिए सब जगह पे बाल बाल है ना, ये रूट हेयर है ना, ये रूट टिप है। ठीक है, और ये रूट कैप है, ये अंदर पेनेट्रेट करता है। ओके, द रूट टिप इज डिक्लिकेट डेलिकेट। ठीक है, रूट का जो टिप है वो डिलिकेट होता है, मतलब एकदम सौम्य होता है। ठीक है, दिस इज़ द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट। ठीक है, और वहाँ से ही जो ग्रोथ है वो होता है, जो टिप है वहाँ से जो रूट का ग्रोथ है, मतलब वो बढ़ता है वहाँ से, बराबर है कि नहीं। दिस टिप इज़ कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जो देखो है ना, ये जो रूट टिप है उसको कवर करने के लिए रूट कैप होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजरीज। ठीक है, रूट का जो टिप है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए रूट कैप होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, बराबर है ना बच्चों। ठीक है, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। ठीक है, 3/4 मतलब 3/4 है ना। ठीक है, देखो ऐसे, राइट, ये 3/4 पानी भरना है इसमें, और उसको जो है, प्लेस एन
ऑनियन ऑन द माउथ ऑफ द जार इन सच अ वे दैट इट्स रूट्स आर टूवर्ड्स द वॉटर. ठीक है, अभी एक ऐसा रखना है जिससे जो उसके रूट्स होंगे ना वो पानी के अंदर हो. ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स फॉर 8 डेज. ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया उस तरीके से उसके अंदर ग्रोथ आपको दिखेगा कैसे धीरे धीरे, है ना. थर्ड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टीम आर कॉल्ड फेब्रस रूट्स. ठीक है, जो ये थ्रेड्स वगैरह जो निकलते हैं ना नीचे से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेब्रस रूट्स बोलेंगे. ठीक है, जो आपको नीचे निकलते हुए दिख रहा है अभी ये ग्लास के अंदर दिख रहा है. दस देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स. ठीक है, अभी दो अलग अलग तरीके के रूट्स रहते हैं. एक तो पहला वाला हमने जो देखा जो लंबा निकलता है टोकीला होता है, और दूसरा ये जो भाल जैसा निकल रहा है. ठीक है, तो उसमें टेप रूट्स होते हैं एंड फेब्रस रूट्स होते हैं. ठीक है, नाम याद रखो बच्चों, टेप रूट्स और फेब्रस रूट्स. और आपको अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक तो सारे चीज़ें बता दी है मैंने. ओके, डिकोटिया लेडनस प्लांट्स हैव टेप रूट्स. ठीक है, एक जो ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनिजम्स है, किस क्या नाम दिया है, ड्योटिया डिकोटिया लेडियस प्लांट्स हैव टेप रूट्स. वाइल अभी ये कौन से देखो ना, हम लोगों ने क्लासिफाई करते हमने सुना था ना, क्लासिफाई करते पिछले चैप्टर में पढ़ा था. तो डिकोटलेस जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेप रूट्स होते हैं, है ना, क्या टेप रूट्स होते हैं. वाइल मोनोकोटलीडियस प्लांट जो होते हैं दे हैव फेब्रस रूट्स. समझ में आ गया, मोनोकोटलेट्स जो प्लांट्स होते हैं दे हैव फेब्रस रूट्स. तो टैप रूट्स किसके होते हैं, फेब्रस रूट्स किसके होते हैं, ये स्पेलिंग ध्यान में रखो, मोनोकोटलेस के स्पेलिंग ध्यान में रखो. ठीक है, सो द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड सुरगम जवार. सुरगम मतलब जवार होता है, मैस कॉर्न के, मैस जो होता है कॉर्न के, पी कॉरेंडर एक्सेट्रा इन एन अर्थन पॉट. ठीक है, मिट्टी के पॉट में जो है ये सारी चीज़ों के आप दाने डाल दो. कल्टीवेट द प्लांट्स फॉर 8 डेज. ठीक है, 8 दिन तक ये दानों को आप कल्टीवेट करो, मतलब पानी डालते रहो. वंस द प्लांट्स ग्रो 15 to 20 सेंटीमीटर हाई. ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर हाई जब हो जाएंगे, ओके, अपरूट देम. ठीक है, अपरूट देम, राइट. तो चलिए अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि अपरूट क्या होता है. तो आपको क्या करना है, ये सारे जो जवार वगैरह के हैं उनके बीज को लेकर के एक मट्टी के पॉट में डाल के उनको 6 से 8 दिन तक, है ना, 8 दिन तक उसको पानी डालते रहना है, राइट. तब तक वो कितना हो जाएगा, 15 to 20 सेंटीमीटर, है ना, स्केल देखा होगा ना आपने, उतना थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट. और उसको फिर अपरूट करना है. ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है. तो ये था पेज नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, नेक्स्ट पेज के एक्सप्लेनेशन में हम फिर से मिलेंगे. और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, हमारे मेहनत को सराहने के लिए बच्चों और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाओगे तो ही हम आपको बाकी जो सारे सब्जेक्ट से वीडियोस है और सारे सब्जेक्ट के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस है वो भेज पाएंगे, और आप हमसे जुड़े रह पाओगे. तो बेल आइकन दबाइए, और जो इस चैप्टर में, जो इस पर्टिकुलर पेज में मैंने आपको समझाया है, वो जो भी आपको समझ में आ रहा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप लिख सकते हो, प्लीज़ राइट इट डाउन बिलो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सेंड इट टू मी सो दैट आई कैन थिंक कि हाँ, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू पीपल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो. तो और एंड में जो लिंक आएगा, आपको लिंक कर पे क्लिक करके विजिट करिए हमारे वेबसाइट को, और वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे वीडियोस आपके लिए हमने ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं. तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए. कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट.